हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विनीता का जान। आज मैं आपके लिए मिलेट से रिलेटेड कुछ स्नैक्स लेके आई हूँ। इन सभी प्रोडक्ट का ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी। अगर आप अपने घर के लिए या शॉप के लिए मंगाना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। इसका लिंक वीडियो के एंड में मिल जाएगा। आजकल 10 में से 7 लोग किसी न किसी बीमारी से पीड़ित हैं, इसीलिए दोबारा से हेल्दी डाइट के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है। आज मैं जिन प्रोडक्ट का रिव्यू दूंगी वो नॉन फ्राइड्स हेल्दी स्नैक्स हैं, जिन्हें आप कभी भी कहीं भी गिल्ट फ्री होकर खा सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरी वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ये देखिए, मिलेट के स्नैक्स हैं ये, और ये मिलेट सेवई हैं, और यहाँ पर मिलेट कुकीज़ हैं, ये मिलेट की चिक्की है, और ये बिस्किट्स हैं, और साथ में ये मिलेट के स्नैक्स हैं, और साथ में ये वाले मिलेट के रस हैं। तो चलो ओपनिंग करते हैं और दिखाती हूँ मैं क्या क्या है, टेस्ट क्या है इनका। सबसे पहले मिलेट रस की ओपनिंग करेंगे और मैं इसका रिव्यू दूंगी। इसे बैनन मिलेट से बनाया गया है। मिलेट्स में न्यूट्रिशंस वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, 15% प्रोटीन होता है और फाइबर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, और इसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ही कम होता है। चाय के साथ में बिस्किट या रस खाने का मन करे तो गिल्ट फ्री स्नैक्स खाएं तो आप इस ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ ये रस कैसे हैं, एक रस तोड़ के भी दिखाऊंगी। ये खाने में बहुत ही क्रिस्पी हैं। अगर इसके प्राइस की बात करें तो इसका MRP 40 रुपीज़ लिखा हुआ है। इसको साइड में रखते हैं। ये वाली मिलेट सेवई है, इसको बैनन मिलेट से बनाया गया है, और इसकी प्राइस की बात करें तो इसमें MRP रेट है 50 रुपीज़, और ये 180 ग्राम है। इसमें इसका प्रोसेस बताया गया है, किस तरीके से इसको बनाया जाता है, सब कुछ है। ये देखिए, इसमें लिखा हुआ है नो मैदा एडेड, डायबिटिक फ्रेंडली। जो हेल्थ कॉन्शियस लोग होते हैं या फिर जिनको डायबिटिक है, वो इन मिलेट्स को आजकल बहुत ही प्रेफर कर रहे हैं ताकि उनकी हेल्थ बहुत अच्छी रहे। इसी के साथ ही यहाँ पर कुकीज़ है, जिसे ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मल्टी मिलेट ग्लूटेन फ्री कुकीज़ मेड विद 9 न्यूट्रिशंस ग्रेन, और इसको जैगरी के साथ बनाया गया है, और ये फ्री फ्रॉम ग्लूटेन, फीट, वाइट शुगर, बेकिंग पाउडर, आर्टिफिशियल कलर एंड फ्लेवर, ये इसमें ऐसा कुछ भी नहीं डाला गया है, और इसके MRP है 45 रुपीज़, और वेट की बात करें तो वेट 90 ग्राम है। मैं इसको ओपन करके दिखाती हूँ आपको इसकी कुकीज़ पर। ये देखिए इस तरह से इसकी कुकीज़, मैं टेस्ट करके भी देख लेती हूँ। बहुत ही बढ़िया टेस्ट है, एक बार ट्राई करना तो बनता है। और इसी के साथ ही ये चिक्की है, मिलेट चिक्की, इसमें कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं मिलाए गए हैं और प्रिजर्वेटिव कुछ नहीं मिलाया गया है। ये देखिए इस तरीके से, इसको भी ओपन कर लेते हैं। पैकिंग बहुत अच्छी की हुई है इनकी। मैं इसको टेस्ट करके देखती हूँ। इसको ऐसा है कि जैसे आपको कुछ हेल्दी खाने का मन करे, आपको गिल्ट नहीं होगा कि आपने कुछ स्नैक्स खाया है, और इसको खाकर आप अपने डाइट को भी कायम रख सकते हैं।
ये देखिए ये भी मिलेट कुकीज़ है और इस पर लिखा हुआ है नो एडेड मैदा एंड वाइट शुगर और मेड विद 9 ग्रेन्स। और इसकी एमआरपी की बात करें तो ये इसका एमआरपी है 65 रुपीज़। 150 ग्राम का पैकिंग है। ये इस तरह की कुकीज़ हैं। ये कुकीज़ बिल्कुल ऐसी हैं जैसे नान खटाई होती है, मगर नान खटाई का हेल्दी वर्जन है। ये बहुत ही सॉफ्ट है। अब आती है बच्चों की बारी। बच्चों को स्नैक्स बहुत पसंद होते हैं, मगर कई बार हम ये सोचते हैं कि हम मैदा ना खिलाएं, तो हम सोचते हैं कुछ हेल्दी भी हो और बच्चों को ये लगे कि हमने स्नैक्स खाया है। तो ये देखिए मिलेट क्रिस्पी स्नैक्स है, जिसे मिलेट दाल और कॉर्न से बनाया गया है। ये देखिए इस तरीके का होने वाला है ये। ये देखिए हेल्दी भी है, स्पाइसी भी है, अच्छा है, मसाले भी ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा स्पाइसी नहीं कह सकते इसको, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर है। चलिए मैं आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ। इसी में ही एक ये फ्लेवर है टैंगी टमाटो। इससे पहले वाला मैंने जो दिखाया था ये देखिए, ये है होममेड मसाला। ये होममेड मसाला मिलेट स्नैक्स है और ये इंडियन टमाटो। ये सारे ग्लूटेन फ्री है। ये स्नैक्स इस तरीके से होने वाले। साल्टी है, हल्का सा स्पाइसी है जिसे बच्चे खा सकते हैं और टमाटो का फ्लेवर है, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर है ये। जब आपके बच्चों को स्नैक्स खाने का मन हो तो आप ये वाला खिलाइए और आपको गिल्ट भी नहीं होगा कि आपने कुछ ऐसा कुछ खिला दिया है जो बच्चे की हेल्थ को नुकसान पहुंचाएगा। ये देखिए मिलेट क्रिस्पी स्नैक्स इंडियन टमाटो फ्लेवर में। और ये देखिए फॉक्सटेल मिलेट कोकोनट बर्ड्स। ये फॉक्सटेल मिलेट से बना है, इसमें कोकोनट है और जैगरी है। ये देखिए एक ही फ्लेवर है तो मैं एक ही बॉक्स खोल के दिखाऊंगी ये वाला। ये बाइट इस तरीके से होने वाली है। ये स्नैक्स टोटली नॉन फ्राइड स्नैक्स हैं और इसे फॉक्सटेल कॉर्न और ग्राम फ्लावर से बनाया गया है। इसमें जैगरी पाउडर है, डेसिकेटेड कोकोनट है और फ्लेवर के लिए कार्डमम पाउडर है। इन्होंने आहार एक्सपो में अपना स्टॉल लगाया था। अगर आप इनके प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और वीडियो के एंड में भी दे दूंगी। ईमेल एड्रेस दे दूंगी और इसका कस्टमर केयर नंबर भी दे दूंगी जहां से आप इनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने जितने भी स्नैक्स दिखाए हैं इनका टेस्ट बहुत ही बढ़िया है। आई होप आपको मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। तब तक खुश रहिए, हेल्दी रहिए।